हेलो हाँ बांके जी, बिहारी लाल की जय। की बहुत सुंदर हाजिरी। इसी के साथ इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुरली भक्तों क्या की तुमने काना विपदा हटारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले बहुत मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले घन श्याम मुरली वाले। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। की वाली वाह। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं गुरु वंदे जगद्गुरुं। इस संसार के जगत के प्रथम गुरु श्री कृष्ण के चरणों में मेरा प्रणाम, कोटि कोटि वंदना। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। प्रभु की लाडली सास संगत जी, हम छठे अध्याय का श्रवण कर रहे थे जिसमें आत्म संयम योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। ध्यान योग भी जिसे कहा जाता है। छठा अध्याय ध्यान के बारे में भगवान बता रहे हैं। हमने श्लोक 14 तक श्रवण कर लिए थे। पिछले श्लोक में भगवान ने जिस तरह बताया कि जिसका अंतःकरण शांत है, भय रहित है और पूरी तरह जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और उसी में स्थिर होकर जो शांत अंतःकरण वाला योगी मन को परमात्मा में लगाकर स्थित होता है, अर्थात जो पूरे सभी नियमों का अपने मन को संयमित करके भगवान में लगाता है, वो फिर परमात्मा में स्थिर हो जाता है। इसके लिए सांस का नियमन करना चाहिए, अर्थात प्राणायाम साधना को बताया है कि सांस लेना छोड़ना किस तरह करना है, इसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम अर्थात गहरे श्वासों का अभ्यास करना। इसके करने से गहरी शांति प्राप्त होती है, मन अंतर्मुखी होता है और किसी भी काम को आरंभ करने से पहले प्राणायाम करते हैं। इससे मन शांत हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है उस परमात्मा के मार्ग की ओर, अर्थात अंदर की यात्रा की ओर अग्रसर हो जाता है। और जब मन शांत होता है तो वो अपने आप ही बाहर से अंदर की तरफ मुड़ जाता है। अब अगले श्लोक क्रमांक 15, भगवान इसमें क्या समझा रहे हैं। युञ्जनैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्ति निर्वाण परां मत संस्थाम दिगच्छति। अब इसी परंपरा में ध्यान के बारे में आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस प्रकार शरीर मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते रहना चाहिए, अर्थात अपने शरीर को मन को अपने कर्मों को हमेशा कंट्रोल करके रहना चाहिए, संयम में रखना चाहिए। और संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जो अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है, संयमित जीवन जीता है, तो फिर इस संसारिक यात्रा को पूरा करके वो अवश्य ही फिर भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान ने भी योगा अभ्यास के बारे में, ध्यान के बारे में बहुत सुंदर
यहाँ पर व्याख्या दी है, भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है, उल्टा भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि वो स्थान जहां पर ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चांद की, ना बिजली की, आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग सिर्फ उस परम पिता के प्रकाश से ही प्रकाशित है। इस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश है। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उनके लोकों को ही परम धाम कहा गया। अर्थात कितने ही व्योम मतलब आकाश के ऊपर भगवान का यहाँ पर स्थान बताया गया कि बहुत सारे आकाश आते हैं, उसके बाद भगवत धाम आता है। एक पूर्ण योगी जिसे कृष्ण भगवान का पूर्ण ज्ञान है, उस जिसे परमात्मा का पूर्ण ज्ञान है, जैसे कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मत चित्त मत पर मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतोगत्वा वो गोलोक को प्राप्त होता है। कोई भी कृष्ण या विष्णु रूप में उसके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के निज धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात जिसे परमात्मा के बारे में पूर्ण विस्तार नहीं पता, वो उनके उस ब्रह्म स्वरूप को नहीं पहचानता, तो वो फिर उनके निज धाम में भी प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, जिसे उस परम पिता का पूर्ण ज्ञान हो गया है, वही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन हमेशा कृष्ण के कार्यकलापों में ही तत्पर रहता है। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में ही है। जो कोई योग में अपने अर्थात योग का मतलब जुड़ना, उस परमात्मा से जुड़ना, तो इंद्रजाल तथा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं, जो मतलब यहाँ पर योग बताया कि जो अपने अंतर की यात्रा में उस परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तो उसको योग कहा है। जो योगाभ्यास वैसे होता है, कर्तव्य दिखाते हैं, वो कहते हैं कि ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर की यात्रा उस परमात्मा के साथ नहीं जुड़ती। भगवान कहते हैं कि जिसका मन संयमित है, ऐसा योगी आत्मा को निरंतर मेरे परमेश्वर स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाला परमानंद की स्थिति प्राप्त करता है, जो परम शांति की स्थिति है। अर्थात जो हमारा मन है वो इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, इंद्रियां स्वयं कुछ नहीं करती, जब मन उनके साथ जुड़ जाता है तभी वो परम शांति की स्थापना करता है, और अगर मन हमारे उल्टी दिशा में जाता है तो यही शांति अशांति में भी बदल जाती है। तो हमें अंदर की यात्रा के लिए, उस परम शांति के लिए, उस परमेश्वर को अपने मन में धारण करना है। जीवन में अशांति का कारण हम खुद हैं, हमें स्वयं को शांत रखना है, दूसरों की पीठ पीछे चर्चा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। भगवान यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर ढंग से बता रहे हैं। बड़े भाग्य से यह जीवन, सुंदर जीवन उस परमात्मा की देन है, ये सुंदर श्वासें मिली हैं, जीवन मिला है, इसलिए हमें अपने ध्यान, अपनी साधना पूरी तरह से उस परमात्मा के ही नाम जप में, सिमरण में लगाना चाहिए। इधर उधर व्यर्थ में अपने जीवन को नहीं गंवाना चाहिए। अगला श्लोक, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चेकांत मनुष्यतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अब ये भगवान अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं, 16वें श्लोक में, हे अर्जुन, जो ना अधिक खाता है ना बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या जो बिल्कुल नहीं सोता, उनके लिए योगी बनने की कोई भी संभावना नहीं है। अर्थात हर चीज एक नियंत्रण में होनी चाहिए। भगवान किसी भी चीज की अति के बारे में यहाँ समझा रहे हैं कि अति नहीं होनी चाहिए, ना अति में खाना, ना अति में सोना, ना अति में भूखा रहना, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी योगी नहीं बन सकता। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन और नींद के लिए एक नियमित संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना,
मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल, दुग्ध सब उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ जो खाते हैं वो सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणी के लिए है, इसलिए जो लोग मांसाहार खाते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और बिना उस कृष्ण को भोग लगाए भोजन करते हैं, वो केवल पाप कर्म ही कमाते हैं। वे केवल दूषित वस्तुएं ही खाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचयत्यात्म कारणात्। जो व्यक्ति अपने इंद्रिय सुख के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपनी जीवा के स्वाद के लिए केवल भोजन करता है, भगवान कहते हैं कभी भी वो परमात्मा को समर्पित करके नहीं करता, तो वो केवल पाप ही खा रहे हैं। वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता जिसकी मन के साथ तन भी आत्मा ही शुद्ध नहीं है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योगाभ्यास कर सकता है, क्योंकि ऐसा गरिष्ठ भोजन खाने से केवल उसका ध्यान बाहर ही भटकता है, अंतर्मुखी कभी नहीं हो सकता। और जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता, कृत्रिम उपवास अर्थात कहने के लिए तो उपवास रख लिया, लेकिन उसकी जगह दूसरी बहुत सारी चीजों को तला भुना या इस तरह की वस्तुएं खाने का उपभोग कर लिया और परमात्मा का भजन सिमरण किया नहीं, तो इसको भगवान यहाँ पे कृत्रिम उपवास कह रहे हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए उपवास है। अतः जब भी उपवास अंडरस्टूड। करें, अब जब भी उपवास करें मनुष्य, आर्टिफिशियल कोशिश यही, आर्टिफिशियल। हाँ, तो हमेशा प्रयास ये होना चाहिए कि जितना हो सके सादा सा सादे से सादा भोजन अर्थात या तो फल फ्रूट ही खाए, या बिना मतलब केवल जल पर ही रहे। अगर जल पर नहीं रह सकता तो फल फ्रूट दुग्ध सिर्फ इसी का ही घर करे जो हमारे शास्त्रों में विदित है। तो इसी तरह भोजन पर, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जितने भी हुए हैं सिर्फ वो सब इसी तरह का ही भोजन करते थे और कई कई वर्षों तक जीवित रहते थे, क्योंकि इसके साथ ही प्राणायाम साधना से श्वासों की अवधि लंबी हो जाती है और फिर उससे आयु भी बढ़ती है। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, फिर वह ना ही अधिक खाता है। तो इस प्रकार वह योगाभ्यास करने में पूर्णतः योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है और सोते समय अनेक प्रकार के फिर वो सपने देखेगा, तो इस तरह उसके आवश्यकता से अधिक सोएगा तो तामसी प्रवृत्ति होने के कारण कभी भी अपने मन को ईश्वर में नहीं लगा पाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक ना सोए, और जो व्यक्ति 24 घंटे में से 6 घंटे से ज्यादा सोता है या आवश्यकता से अधिक सोता है, वो केवल आलस के कारण वो तमोगुणी कहलाता है। और तमोगुणी व्यक्ति अपने आलस के कारण ही कभी भी योग साधना को नहीं कर सकता, अर्थात अपने अंदर की यात्रा को वो नहीं कर पाएगा। इसलिए युक्ति में ही आहार ग्रहण करना है और जितना आवश्यक हो केवल उतना ही सोना चाहिए। यहाँ भगवान इन्हीं श्लोकों में ये बताया है। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, नमः हरे नमः। नमः। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूं प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। श्री श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा हो नाम, मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। बोलो पाके बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु कैसा लगा सुनने महाराज में? की जय। बहुत अच्छी कथा सुनाई। वाह जी वाह, बहुत पैसे सुंदर। थैंक यू संगीता। बहुत पैसे।